हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 भी देखें। नरेंद्र अवस्थी का केमिकल काइनेटिक्स का ये लेवल 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, 59 के जैसा ही। यहाँ भी प्रेशर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों, जब भी आपको प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आप उसको एनालाइज कर लें, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, वो रिएक्शन के कोफिशिएंट के अनुसार बार बार क्या होता है, चेंज होते रहता है। ये दिया हुआ है आपका एजो मीथेन, ठीक है। ये डिकम्पोज हो रहा है C2H6 और N2 में, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ये बोल रखा है। तो आपको K का एक्सप्रेशन देखना है। देखो, जो K का जो एक्सप्रेशन होता है वो तो KT, ये KT या K को स्टोन बाय T आपको करना होगा ln P नॉट अपॉन PT। और ये फॉर्मूला में क्या होता है, P नॉट जो होता है इनिशियल प्रेशर होता है रिएक्टेंट का, और ये जो होता है T टाइम के बाद रिएक्टेंट का ही बचा हुआ प्रेशर होता है, ये वैल्यू हमें निकालना होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो वापस आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब मिनिमम का वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है। ओवरऑल हमको सिर्फ क्या निकालना, पीटी निकालना, मतलब टी टाइम के बाद बचा हुआ प्रेशर। तो हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखें पी इक्वल्स टू 0 जो है इसका पी नॉट है, तो पी नॉट का जो वैल्यू दे रखा बच्चों वो कितना दे रखा है, 200 दे रखा। अब सोचे कि अगर ये 200 दिया हुआ और किसी टाइम टी के बाद, किसी टाइम टी के बाद ये कितना हो गया बच्चों, 350 हो गया। अब सोचे 350 होने का मतलब कितना से बढ़ा। ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है हमारा बच्चों, ये हमारा दिया हुआ था 200, कोफिशिएंट 1:1 है, इसका मतलब दो को मिल के इतना बढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक सीक्वेंस में जाना चाहते हैं तो पहले सीक्वेंस में चले जाएंगे। टी टाइम के बाद इसका कुछ प्रेशर घटा होगा, तो घट के ये कितना हो गया होगा हमें नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लीजिए पी नोड माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है, या पी नोड माइनस पी कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए पी से प्रेशर इसका घट गया, तो ये पी से बढ़ा होगा और ये पी से बढ़ा होगा। इसी की हम बात कर रहे थे बच्चों कि जितना घटेगा यहाँ से तो उसके कारण दो पी भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ से देखें कि पी टी जो होगा बच्चों, वो टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर जो हो जाएगा वो आपको कितना देना होगा, पी नॉट माइनस पी, फिर प्लस करेंगे आप पी, फिर प्लस करेंगे पी, क्योंकि टी टाइम के बाद रिएक्टेंट भी है और ये दोनों प्रोडक्ट भी है, तो सबका प्रेशर लग रहा होगा। इसलिए ये जो 350 दे रखा बच्चों, वो एजोमीथेन का भी प्रेशर होगा, C2H6 का भी प्रेशर होगा और N2 गैस का भी प्रेशर होगा। तो ये आपको दे रखा कितना, 350। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी से पी तो कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका पी नॉट प्लस पी। अब देखिए यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ रहा है, पी का वैल्यू आ रहा है 350 माइनस कर देंगे पी नॉट, क्योंकि 200, तो ये आ जाएगा 150, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए हम यही कह रहे थे कि ये अगर अगर 200 है, बाद में कितना हो गया, 150 हो गया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही हुआ होगा कि ये दोनों इनके इतना इतना करा था, ये इतना घटा होगा। तो अब देखिए 150 घट चुका है, तो 150 अगर घट चुका है इसका मतलब ये बच कितना गया बच्चों, तो ये 200 माइनस क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 150 घट चुका था तो बच चुका कितना, 50। तो ये हमारा बच्चों ये पीटी हो गया, टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का बचा हुआ प्रेशर इतना और इनिशियल प्रेशर इतना। तो अब हम आराम से के निकाल सकते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे के का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, देयरफॉर के बराबर 1/t, 1/t देखिए क्या दिया हुआ, 40 दिया हुआ, 1/t कितना दिया, 40 इनटू इसी हम लोग क्या कर देंगे, 60। मैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये आंसर जो है सेकेंड इनवर्स लाना और ये मिनट में दे रखा है, इसको सेकेंड में चेंज कर दिए। इनटू आप क्या कर सकते हैं, इनटू करेंगे लॉग, लॉग का मतलब आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं 2.303, ठीक है बच्चों। अब ये आ जाएगा लॉग, अब देखें पी नॉट का वैल्यू कितना रखेंगे, 200 डिवाइड पी टी का वैल्यू कितना रखेंगे, 50। समझ में आ रहा, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो लॉग 4 का वैल्यू आप सीधा यहाँ पे रख दें, तो ये आ जाएगा आपका 2.303 इनटू आपको मिल जाएगा 0.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 2400। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको दे देगा 5. आप उसको सॉल्व करके देख लीजिएगा 76 के आसपास आ रहा, मतलब आंसर 77 दे रखा है यहाँ पे, इनटू हो जाएगा 10^-4 सेकेंड इनवर्स, इस तरीके का आंसर आएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए आंसर कौन सा है, सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 60 नंबर क्वेश्चन था।